आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह एवं वरिष्ठ पदाधिकारी पहुंचे नेमावर और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मकराई समाचार। देवास जिले के नेमावर में आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ नेमावर पहुंचे तथा मृतकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस उपरांत पीड़ित परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता को बताया कि नेमावर हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। 5 लोगों की हत्या के बाद 3 बच्चियों को निर्वस्त्र दफनाया जाना और यूरिया खाद और नमक डाला जाना, यह बहुत ही निंदनीय है और सरकार के मुंह पर कालिख पोतने वाली घटना है। आम आदमी पार्टी की यह मांग है कि अपराधियों को फांसी होनी चाहिए एवं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CBI जांच की जानी चाहिए। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश उपाध्याय, प्रदेश प्रवक्ता संजीव वैद्य, खातेगांव विधानसभा अध्यक्ष रेवा राम जाट सहित अनेक कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। नेमावर से सुनील जैन की रिपोर्ट। नर्मदा का बहुत धार्मिक तट है, उस तट के ऊपर मतलब जो इस तरीके की घटना होना एक मध्य प्रदेश को झंझोड़ने वाली बात है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी के और शिवराज सिंह चौहान जो आज पूरा परिवार की जो है कि एक घर से 5-5 डेड बॉडी 11 फीट गड्ढा में मिलना, ये समझो हर देश का नागरिक को दिल उपेसने वाली बात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें जो आज राजनीति चल रही है के साथ 8-8 लाख रुपए जो भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री ने दिया है वो इनके SC ST आदिवासी के उसमें एक्ट में आता है जो फंड दिया है। कांग्रेस ने भी उसमें ताबड़तोड़ जो है कि 5-5 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री ने दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस मध्य प्रदेश के दोषी तो कांग्रेस भी है, क्योंकि आज जो कांग्रेस पार्टी किसी भी राज्य में देख लीजिए जीतने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। और यह भी ऐसा ही हुआ कि दोषी वो है जो आज मतलब जीतने के बाद 28-28 विधायक मतलब जो है कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करके और साथ के मध्य प्रदेश की बहन बेटी को न्याय नहीं मिल सके, ऐसा बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर दे दी है। तो मैं यही निवेदन करता हूँ आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई पंकज जी, हमारे मध्य गुप्ता जी और जिला अध्यक्ष हमारे सुनील जी ठाकुर साहब और आम आदमी पार्टी पूरी, ये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को लेटर देंगे के सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CBI जांच की मांग हो। मैं खातेगांव विधानसभा क्षेत्र की 29 जून तक प्रशासन को पुलिस को पता नहीं चलता और जब बॉडी निकाली जाती है उसमें यूरिया नमक तमाम तरह की चीजें मिलती हैं और यहां तक कि 3 लड़कियों की बॉडी जिसमें कपड़ा तक नहीं मिला, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और यहाँ की जो शासन प्रशासन है और ख़ास तौर से सरकार है, इस सरकार के मुंह पे कालिख पोतने वाली घटना है। इस घटना पे जो लोग जिम्मेवार हैं वो लोग अपने दम पर इतना बड़ा अंजाम नहीं दे सकते इतनी बड़ी घटना को, तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए आम आदमी पार्टी मांग करती है कि CBI की जाँच हो, CBI की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और साथ ही जो अधिकारी पदाधिकारी नियुक्त किए जाएं उनको किसी तरीके का दबाव न हो, चूंकि यहां व्यापम जैसे घोटालों का भी अभी तक जांच हो रही है पर उसका कोई परिणाम खास तौर पर उस तरीके से नहीं निकल पाया, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर जो लोग दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए ताकि प्रदेश के अंदर, देश के अंदर या इस क्षेत्र के अंदर कभी ऐसी घटनाएं ना घटें। आदिवासी समाज से लेकर संपूर्ण समाज, पूरा मध्य प्रदेश इस घटना से हतप्रभ है, निराश है, दुखी है। तमाम तरह के नेता और सब लोग आ रहे हैं लेकिन इन सबसे ऊपर ये इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। आम आदमी पार्टी पुनः यहाँ के मुख्यमंत्री से हम लोग जाकर पत्र लिखकर भी उनको कहेंगे कि आप जल्द से जल्द CBI जांच बैठाइए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी पर जांच बैठे जिस पे कोई हस्तक्षेप दबाव ना हो। जो लोग भी इसमें शामिल हैं, जो अंदर गए वो और जो अभी बाहर हैं, सबको उसमें पकड़ा जाना चाहिए और सजा होनी चाहिए। धन्यवाद। लेकिन
यहाँ के क्षेत्रीय नेता रेवराम जी जाट क्या कहना चाहेंगे पीड़ित परिवार से चर्चा करके? क्या ठीक है भैया,